दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मेरी जिंदगी का यह सबसे रिलैक्स टाइम है। जब से मैं अपने प्रोफेशन में आया हूं, तब से इस तरह का रिलैक्स टाइम मुझे कभी नहीं मिला। आज मुझे भीलवाड़ा में 14 दिन हो गए हैं और मैं अब कल जो मोदी जी ने कहा उसके अनुसार अब अगले 20 दिन और हम घर में रहने वाले हैं, तो सोचा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। और मेरे जो MLM के साथी हैं उनको मैं अपने अनुभव को कैसे साझा करूं। मुझे मल्टीलेवल मार्केटिंग में लगभग 20 साल का वक्त हो गया है। एक ही कंपनी में मैंने अपना करियर बनाया, एक ही कंपनी में अपना काम चालू किया और लगातार 20 साल तक वर्क किया। मल्टीलेवल मार्केटिंग के कई लोग मेरे से मिलते हैं और अलग अलग तरह के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। सही बारों में दोस्त, अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे किसी भी प्लान का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये बाइनरी प्लान है, ये रिफाइनरी प्लान है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे एक ही प्लान आता है जिसको मैंने किया, और 20 साल के अपने अनुभव को मैं आपके बीच में साझा करने आया हूं। मैंने बहुत ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं इन 20 सालों में। 1 करोड़ लोगों की मेरी डाउनलाइन है। इतने हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमने के बाद, सारे स्टेटों में घूमने के बाद, इतनी डाउनलाइन और इतनी डुप्लीकेशन करने के बाद आज हजारों की तादाद में लाखों कमाने वाले मेरी टीम में हैं। तो मैं ये वीडियो आपके एक पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए लेके नहीं आया हूं। हम यहां पर ओवरऑल मल्टीलेवल मार्केटिंग की बात करेंगे। मैं जिस कंपनी को करता हूं, अगर मैं केवल उसी को अच्छा कहूं तो ये अपने आप में गलत बात है, लेकिन मुझे अच्छा कहना चाहिए। और मल्टीलेवल मार्केटिंग में जो भी लीडर हैं वो सब लोग अपनी कंपनी को सबसे अच्छा कहेंगे, लेकिन मैं कुछ कॉमन बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो स्टेप है जिससे इस बिजनेस की डुप्लीकेशन चालू होती है, इस बिजनेस की शुरुआत होती है किसी भी आदमी के द्वारा, वो है STP, शो द प्लान। हम अपने प्लान को किस तरह से बताते हैं इस पर यह डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना सीरियस बिजनेस को होता है। तो मैं प्लान में किन किन कंटेंट का होना जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो प्लान में आपके पोस्चर का, आपके ग्रूमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। 90% लोग आपकी पर्सनालिटी को 4 चीजों से समझ जाते हैं। पहला, आपका हुलिया। हुलिया का मतलब आपके चेहरे और आपकी सुंदरता से नहीं है, और आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की सलाह नहीं दे रहा हूं। हुलिया का मतलब आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, खुशी और किसी उपलब्धि पर पहुंचने की जो आशाएं होती है जब आपके चेहरे पर झलकती है, तो वो आपके हुलिया में रोल अदा करती है। आप ट्रेन में जब किसी से पूछते हैं कि अगला स्टेशन कब आएगा, तब भी सबसे पहले आप ये देखते हैं कि सामने वाला रिलैक्स है, उसी से पूछते हैं। जिसका सिर दर्द कर रहा हो उससे नहीं पूछते, जिसने अभी भी फोन पर झगड़ा किया उससे नहीं पूछते। आप उस व्यक्ति से पूछना पसंद करते हैं जो मुस्कुराता रहता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी को प्लान देने जाएं तो आपका हुलिया एकदम सही हो। जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, जब आप पूरे तरह पॉजिटिव हो, तभी आप किसी को प्लान बताएं। दूसरा, हुलिया के बाद आता है आपका ड्रेस कोड। इंप्रेशन की दूसरी चीज है ड्रेस कोड। दुनिया में जब भी कोई फिल्म बनती है, बड़े से बड़े कलाकार को जब भिखारी का रोल अदा करना होता है, तो सबसे पहले डायरेक्टर जो होता है शक्ल को बिगाड़ता है, भिखारी जैसी बनाता है, और उसके बाद उसके कपड़े भी भिखारी जैसे करता है, तब जाकर वो भिखारी लगता है। इसका मतलब है आपका ड्रेस कोड से ये पता चल जाता है कि आप किस लेवल के आदमी हैं। तो आपने सही ड्रेस कोड पहना हो। सिंपल सा ध्यान रखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि व्हाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, अगर सर्दी है तो सूट और टाई लगी हुई। तीसरा, जो इंप्रेशन की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आपके शब्दों का चयन।
द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके शुरुआती दो चार शब्द ही ये डिसाइड कर देते हैं कि सामने वाला आपको सीरियस ले या न ले। एक आदमी किसी रेस्टोरेंट में जाकर अगर किसी बैरे को ऐसे करके आवाज करता है तो ये पता चल जाता है कि ये आदमी कपड़े ही अच्छे पहने हैं, इसका ग्रूमिंग ही अच्छा है, बाकी इसके अंदर तमीज नहीं है। तो आप शब्दों का चयन कैसे करें इसके ऊपर भी आपका इंप्रेशन डिपेंड करता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाती है, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरह से बैठे हैं, हालांकि ये चारों शब्द LDP के टॉपिक हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के टॉपिक हैं, इन चारों पर अलग अलग पूरे के पूरे एक एक दिन के फंक्शन हो सकते हैं। कभी हम मिलेंगे किसी ट्रेनिंग में तो इन सब्जेक्टों पर हम बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो पहली बात है, जब आप किसी को प्लान बताने जाएं तो सबसे पहला काम है फर्स्ट इंप्रेशन, यानी ग्रूमिंग आपको सही करनी है, पर्सनैलिटी को सही करनी है। और दूसरा जो काम है आपकी तैयारी, पीछे की आपकी तैयारी क्या है। 90% लोग कहीं पर भी चालू हो जाते हैं प्लान बताना और उनके पास किसी तरह का टूल्स नहीं होता और वो प्लान बताना चालू कर देते हैं। कई बार तो हम प्लान बताते वक्त सामने वाले से पेन मांगते हैं कि सर आपका पेन दे दो, मैं आपको समझा देता हूं। ये अपने आप में एक रॉन्ग इंप्रेशन की बात है। आपके पास पेन हो, आपके पास डायरी हो, आपके पास आपकी कंपनी का कैटलॉग हो, आपके पास अपनी कंपनी के कैटलॉग के साथ मार्केटिंग प्लान की बुक हो और उसके साथ आपके पास कुछ प्रोडक्ट हो और वेल अप टू डेट आपके हाथ में एक बैग हो और इन बैग में सारे टूल्स हो, टूल्स के साथ प्रोडक्ट हो, और तब जाकर आप कंप्लीट रूप से इस बिजनेस को करने लायक बनते हैं। 90% लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्लान है कभी भी बता देंगे। दोस्तों याद रखना दो चीजें जीवन में, दुश्मन और ग्राहक कभी भी आपको नोक करके नहीं आएगा। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना, जैसे सेना के लोग हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे डायरेक्ट सेलिंग के जो बिजनेसमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी समय आपको ये प्लान बताना पड़ सकता है और कहीं पर भी आप ये प्लान बता सकते हैं। तो ये तैयारी करने के बाद कैसे आप प्लान बताएं, प्लान के चार भागों में विभक्त करूंगा मैं। पहला है प्लान की स्टार्टिंग, यानी स्टार्टअप प्लान का किस तरह से हो। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि उसे इस बात के लिए कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि वो डायरेक्ट सेलिंग करे, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसे करना चाहिए। दूसरे भाग में ये बात लेंगे। ये दोनों भागों में हमेशा वक्त के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन तीसरा भाग है, वो है आपका मार्केटिंग प्लान। ये डुप्लीकेबल चीज है, यहां पर हमेशा जब आप कैलकुलेशन बताएं तो एक ही फॉर्मेट में बताएं। अगर आप 4 लेग से बता रहे हैं, अगर आप 3 लेग से बता रहे हैं, कंपनी को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं और कंज्यूमर को राइट साइड में लिख रहे हैं, तो आप हमेशा वैसा ही करें। क्योंकि जो लोग आपका प्लान देख रहे हैं, हो सकता है वो बार बार प्लान देखें और उन्हें वो चीज याद हो जाए। क्योंकि अगर आपने हर बार अलग अलग तरह की कैलकुलेशन ली तो आपको बार बार कैलकुलेटर को हाथ में लेना पड़ेगा और वो आपका समय खराब करेगा। इसलिए आप एक ही तरह का प्लान जब भी आप कैलकुलेशन शो करें तो एक तरह की करें, ये डुप्लीकेबल होती है। और चौथे भाग में हम बात करेंगे कि हम जिस MLM की बात कर रहे हैं उसी को क्यों करें। क्योंकि शुरू की 3 बातों में हमने हमारी कंपनी का जिक्र नहीं किया, हमने मल्टीलेवल मार्केटिंग का जिक्र किया, एक प्लान का जिक्र किया, लेकिन उस प्लान में सबसे महत्वपूर्ण बात चौथे नंबर पे आती है। उस समय जब आप ये बताते हैं कि मैं जिस कंपनी का प्लान लेकर आया हूं उसे ही आपको क्यों करनी चाहिए, मल्टीलेवल मार्केटिंग में जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो चौथे नंबर पे यही पॉइंट आपके लिए कारगर होता है। तो आइए दोस्तों हम एक एक पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टार्टअप। जब आप किसी के पास जाएं तो जाते ही अगर आप उसको प्लान शो करना चालू कर देंगे तो हो सकता है वो किस दुविधा में हो, उसके दिमाग में कोई बात घूम रही हो, और उस समय आप जब डायरेक्टली हैंड टू हैंड प्लान चालू कर देंगे तो सामने वाला आपसे कॉन्टेक्ट जुड़ेगा नहीं और वो दूसरी दिशा में हो सकता है सोचे। इसलिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप उससे फेमिलियर हो जाइए, उसका हालचाल पूछिए, उसका परिचय लीजिए, अपना परिचय दीजिए, और जब वो आपसे एकदम फेमिलियर तरह बिहेव करना चालू करें तो उसके बाद आप उसके इंट्रोडक्शन से जानिए कि उसकी जरूरत क्या है। हर आदमी जो बिजनेस करता है उसके अलग अलग नजरिया होता है करने का, अलग अलग सोचने का नजरिया होता है। कुछ लोग इस बिजनेस में पैसे के लिए इस बिजनेस को करते हैं, और मैं आपको बता दूं मेरा यह अनुभव है, चाहे लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन
दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो वो पैसा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। चाहे मुकेश अंबानी के पास भी खूब सारा पैसा है, लेकिन जब उसे कोई नया प्रोजेक्ट बताया जाता है तो प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट बताया जाता है तो ही वो करता है। इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो पैसा ही है, तो हमें ये पता करना है कि वो पैसों के लिए इस बिजनेस को करेगा, और साथ में हमें ये पता करना है कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को इकोनॉमिकल साउंड समझता है, अच्छा समझता है, तो हो सकता है वो नेम और फेम के लिए इस बिजनेस को करे। कुछ लोग जिनके बच्चे हैं, फैमिली है, कुछ लोग इसे सिक्योरिटी के लिए करना चाहेंगे, और कुछ लोग जिनके जीवन में बिल्कुल टाइम ही नहीं है तो वो इस बिजनेस को टाइम को करना चाहेंगे। तो आप उसकी कंफर्ट जोन को जानिए, वो क्या चाहता है जीवन में। अगर वो बहुत ज्यादा बिजी है तो आप अपनी टाइम से बात चालू कर सकते हैं कि हम इस बिजनेस में टाइम ही पैदा कर सकते हैं। अगर उसकी बिजनेस जीवन सिक्योर नहीं है, वो नौकरी तो करता है लेकिन पर्टिकुलर उसकी एक स्किल की वजह से वो पैसा कमा रहा है, तो वो अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सिक्योर करना चाहता है, परिवार को सिक्योर करना चाहता है, तो सिक्योरिटी के लिए उस बिजनेस को करेगा। कुछ लोग बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है तो टाइम के लिए करेंगे, कुछ लोग पैसों के लिए करेंगे, और पैसा चीज आती है 80% लोग इस बिजनेस को पैसों के लिए ही करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा स्टार्टअप में हम इंट्रोडक्शन करें, उससे फेमिलियर हो जाए और उसकी जरूरत है उसको हम समझे, और क्यों डायरेक्ट सेलिंग वो करे उसके पीछे रीजन जाने और उस पर हाईलाइटेड करते हुए आपको बात करनी है। तीसरे फेज में आपको मार्केटिंग प्लान शो करना है। मैंने यहां पर पहले भी आपको कहा, यहां पर जब मार्केटिंग प्लान शो करेंगे, जो कैलकुलेशन शो करेंगे, उस कैलकुलेशन के अंदर कभी भी आप बदलाव ना करें, यह डुप्लीकेबल होता है। नहीं तो हर बार आप अलग अलग तरह का एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको समझाने में टाइम भी लगेगा और आप खुद कॉन्फिडेंट कम हो जाएंगे, बार बार आपको कैलकुलेटर हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्लान बताएं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, कभी बार हम रेल गाड़ी की तरह प्लान को चलाते जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, सामने वाला आधी बात समझता ही नहीं और आपकी बात पे एसेस करता रहता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि वो अगला आदमी आपसे कनेक्ट है कि नहीं, वो लगातार आपकी बात को ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए बार बार आप हर 2 से 3 मिनट में आप उसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सर आपका बिजनेस हुआ 6,000, ये एक स्लैब है, अब आप बताइए आप कितने स्लैब पर पहुंचे। जब आप बार बार उसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो वो कनेक्ट रहेगा पूरे प्लान के दौरान। जब पूरा प्लान खत्म हो, आप बता दें कि रॉयल्टी आपको आता है, उसके बाद आपकी बिजनेस और आपका जीवन सिक्योर होता है, टेक्निकल बोनस आपको आता है, तो जब ये प्लान खत्म हो जाता है तब तक वो मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझ चुका होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें टाइम मनी सिक्योरिटी मिलती है और इस तरीके से मिलती है, हम जितने लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे उतना पैसा आएगा। तो चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जब अब सामने वाला आदमी निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा कि मुझे इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना। वो चौथी बात है कि हम MLM कंपनी में जो प्लान बताया जा रहा है वही बिजनेस करें, क्योंकि अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात आपने की, अभी आपने अपनी कंपनी की बात नहीं की। तो अब ये डिपेंड करेगा कि कंपनी आप ही की क्यों सिलेक्ट करें, उसके बारे में आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, जीवन में हम सब काम पैसों के लिए करते हैं और हर जगह कोई भी आदमी समय खर्च करके ही पैसा कमा सकता है। जीवन में पैसा कमाने का तरीका है समय खर्च करो, पैसा कमाओ। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप समय खर्च नहीं करते, समय का निवेश करते हैं। जैसे मैं 1 घंटा किसी को प्लान बताता हूं, तो अगर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है, मेरी कंपनी ज्वाइन करता है, तो 1 घंटे वो हमेशा काम करेगा। जब वो अपने लिए काम करेगा तो 1 घंटा वो मेरे लिए भी काम होगा, यानी मैं 1 घंटा दूंगा और जिंदगी भर उसके द्वारा दिया गया घंटा वापस लूंगा, और उसके द्वारा दिया गया समय, उसकी टीम के द्वारा दिया गया समय का जो हिसाब किताब मैं वापस लूंगा। इस तरह मेरे पास टाइम मल्टीपल हो जाएगा। अगर 8 घंटे में मैं 1,000 कमाता हूं तो 16 घंटे में 2,000 कमाऊंगा, 24 घंटे में 3,000 कमाऊंगा। जब मैं एक एक करके अपनी टीम को बढ़ाता जाऊंगा, लोग टाइम देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मेरा टाइम भी बढ़ जाएगा। मुकेश अंबानी हो चाहे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, वो सिर्फ कामयाब तब हुए हैं जब उन्होंने लोगों के समय को अपनी सक्सेस के लिए लगाया। जैसे मुकेश अंबानी जी अगर 1 पेट्रोल पंप खोलते तो खुद ही वहां पर बैठते, लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी जमीन है, तो मेरे पास आओ और जो पेट्रोल पंप पर प्रॉफिट हो उसका 90% तुम रख लेना, 10% मुझे दे देना। अब उन्होंने 9,500 मान लो एग्जांपल पेट्रोल पंप खोल दिए, तो 9,500 पेट्रोल पंप से 10% का टाइम सब जगह से आएगा। अगर हर पेट्रोल पंप से उसके पास 2 घंटे आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि 9,500 × 2
यानी 19,000 घंटे वो एक दिन में कमा लेता है, तो उसकी इनकम भी उसी हिसाब से मल्टीपल हो जाती है, क्योंकि 8 घंटे में अगर 1,000 है तो 19,000 घंटे में कितना पैसा होगा। तो यहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों करनी है और आप ही की कंपनी क्यों करनी है, क्योंकि हम समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। समय दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पैसा अगर हमें नुकसान भी हो गया तो पैसा तो हम फिर कमा सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी में हमने 3 साल डाल दिए और वो कंपनी ही नहीं रही तो हमारे 3 साल को वापस लाने का कोई तरीका नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते वक्त उस कंपनी का प्रोफाइल आपको देख लेना जरूरी है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप ही की कंपनी क्यों करें, उसमें सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल लें। कंपनी की प्रोफाइल में आप बताएं कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, कितने सालों का इसका अनुभव है, कितना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने इसके पास डिपो है, कितना पिकअप सेंटर है, कितनी इसकी फैक्ट्रियां हैं, ये प्रोडक्ट खुद उत्पादन करती है कि नहीं करती। पहले पॉइंट पे आप ये लेंगे। दूसरे पॉइंट में आप ले सकते हैं आपके प्रोडक्ट जो है उसमें 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की रेट क्या है और प्रोडक्ट की रेंज क्या है। तो आपको वहां पर रेट का कंपेरिजन भी करना है, क्वालिटी के बारे में भी डेमो आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी डेमो और रेट के बारे में बताएं। तीसरी बात में आपको ये लेना है कि इस कंपनी में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उसके अंदर किस कैटेगरी पे कंपनी काम करती है। तो दुनिया की सारी कंपनियां पर्टिकुलर कैटेगरी पे काम करती है। कोई एफएमसीजी पे काम करता है, कोई हाउस होल्ड पे काम करता है, कोई कॉस्मेटिक पे काम करता है, कोई न्यूट्रिशन पे काम करता है, कोई कपड़ों पे काम करता है, कोई हाउस होल्ड बर्तनों पर काम करता है, कोई स्टेशनरी पे काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो आपको बताना है कि आपकी कंपनी क्यों करनी, क्योंकि आपकी कंपनी कितनी सारी कैटेगरी पे एक साथ काम करती है। दुनिया की मैक्सिमम कंपनियां जो होती है वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी पर काम करती है। कोई अपर कैटेगरी के लोगों के साथ काम करती है, कोई लोअर कैटेगरी पर डील करती है, कोई मिडिल कैटेगरी पर डील करती है। तो आपको ये बताना है कि मेरी जो कंपनी है वो A to Z गरीब से लगाकर अमीर तक सभी को डील करती है। इस चीज को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी में एक्सक्लूसिवनेस क्या है। तो आपके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट क्या है जो दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है, जो आपको व्यापार को बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको ये बात करनी है कि आपको जब कंपनी में प्रोडक्ट मिलते हैं, जब सारी कैटेगरी के हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होती है जो हर व्यक्ति को मजबूरी से खरीदनी पड़ती है, और जो लोग मजबूरी से खरीदते हैं उस पर कभी बीवी मिलता नहीं। जैसे शक्कर आप खरीदेंगे तो बहुत कम मार्जिन होता है, नमक खरीदेंगे तो बहुत कम मार्जिन कम होता है। तो आप बताएंगे कि हमारी कंपनी में इस तरह के प्रोडक्ट भी हैं, है कि नमक भी है, आटा भी है, हल्दी भी है, धनिया है, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। तो आपको कुछ बीवी ऐसा मिलना है जिस पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लोग बाग यूज करेंगे और आपके पास इनकम आएगी। और सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट जो चौथे नंबर पॉइंट का है वो है आपको बताना है हमारी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में आपको बताना है कि क्या मीटिंग होती है, क्या सेमिनार होती है, क्या DTW होता है, क्या लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, क्या सेलिब्रेशन फंक्शन होते हैं, और आपको लास्ट में उसे जो नजदीक में जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए उसको इनवाइट करना है। जी हाँ, इनवाइट करना है। और जब वो सारी चीज क्लियर करे और जब वो कुछ सोच रहा हो तब आप उसे निर्णय लेने में मदद करें और उसे बोलें कि देखिए सर, इसमें आपका कुछ लग नहीं सकता, निर्णय आप ले, लेकिन जब तक आप निर्णय लेंगे तब तक हम कुछ काम कर चुके होंगे, क्योंकि मीटिंग में हम जाएंगे उससे पहले हमारा काम हो चुका होगा। और आप अगर वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो आप उसे ज्वाइन कराते वक्त डुप्लीकेशन का पूरा ध्यान रखें। आप उसी के मोबाइल में एप्लीकेशन लॉन्च करें और वो कैसे फीड किया जाता है ज्वाइनिंग को उसी से कराएं और उसके साथ खड़े रहें। और आप एक एक चीज प्रोसीजर जब उसे बताएंगे तो ये पहली बार में डुप्लीकेशन हो जाएगी, दूसरी बार जब उसे किसी को ज्वाइन कराना होगा तो वो बार बार आपको आपके पास नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब वो ज्वाइन करे तो उसे प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए ले जाना है पिकअप सेंटर पर, और पिकअप सेंटर पर जब आप परचेज करवाने के लिए ले जाएं तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कहें कि इतने का ही प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ये कंपल्सरी है या यहां है। आप उसे कहें कि सर, ये बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं है तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो हम जिन प्रोडक्टों को लेंगे, कंपनी के उन सारे प्रोडक्टों को लेंगे, और पहले ही दिन उसके घर पर एक डिस्प्ले वॉल, जिसे हम घर पर खोली गई दुकान कह सकते हैं। मैंने कई बार पिछले 4 सालों से मैं एक प्रचलित बात कर रहा हूं कि सब लोग अपने घर में एक डिस्प्ले वॉल लगाएं, अपनी दुकान खोलें। और आज कोरोना की वजह से हम सब लोग घरों में बैठे हैं,
थोड़ा सोचिए दोस्तों, सब लोगों ने अगर ये मेरी बात मानी होती तो आज कितनी दुकानें होती। आप घर बैठे अपने अड़ोस पड़ोसी को प्रोडक्ट दे सकते थे जब वो मार्केट में जब उनको मिल नहीं रहे और आप उन्हें देते तो आपसे कॉन्टेक्ट बनता, वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार होते। तो आप जब भी किसी को ज्वाइन कराएं तो एक एक प्रोडक्ट का सैंपल सारा वो ले जाए, आप उसे रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। जब भी आप ये सोचोगे कि मेरा काम तो हो गया, इसने इतने की परचेजिंग कर ली, तो फिर वहां गलत है, वहां डुप्लीकेशन के लिए गलत है। अगर वो सारे प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो ही वो किसी को ज्वाइन करेगा तो डुप्लीकेबल होगा, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको इस वीडियो में केवल ये बताया कि जब किसी के प्लान बताएं तो क्या स्टार्टअप होना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर हाईलाइटेड करना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में मैं एक वीडियो फिर बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं प्लान शो करके बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के सामने प्लान कैसे शो किया जाता है। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन हम इस समय को हम यूज करते रहेंगे, रोज नई बात लेकर आएंगे। मैं अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस भी करता रहता हूं, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने किसी एक कंपनी के लिए नहीं बनाया। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जिंदा रहना जरूरी है। हम सब लोग जब पॉजिटिव रहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, इसी का नतीजा है कि भारत सरकार 2016 में डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन लेकर आई। उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई भी आदमी जानता नहीं था, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं जानते थे, नेताजी लोग नहीं जानते थे, पुलिस वाले नहीं जानते थे, तो हमें इस बिजनेस को करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग को आज सामाजिक मान्यता मिलना चालू हो गई है। भारत सरकार के गजट में, भारत सरकार की वेबसाइट पर मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आता है, उस पर गाइडलाइन आती है, और यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को जिंदा रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सुना। हम फिर आपके बीच में नया वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।